हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी एक सिंपल सी प्लेन 500 रुपए की साड़ी को कन्वर्ट कर दिया एक डिजाइनर साड़ी में, थोड़े से आइडियाज, एफर्ट्स और थोड़े से पैसे लगा के। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे। कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत बड़ी शिल्पा शेट्टी फैन हूँ, मतलब उनकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट आई लव हर स्टाइल, आई लव द वे शी कैरीज हर साड़ीज स्पेशली। सो रिसेंटली आई सॉ वन पिक्चर ऑफ शिल्पा शेट्टी जहाँ पे उन्होंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, फ्रिल वाली, और इस साड़ी को देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास तो ऐसी एक प्लेन साड़ी रखी हुई है एंड आई थिंक थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा के मैं इसको ऐसी साड़ी बना सकती हूँ। सो यहाँ से वो आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी प्लेन साड़ी कैसी है। तो ये है मेरी प्लेन जॉर्जेट की मजेंटा साड़ी जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी तीज के टाइम पे। आई गेस कोई पूजा थी जहाँ मुझे कोरे कपड़े पहनने थे, तब मैंने ये ऑर्डर की थी। एंड दिस इज अ जॉर्जेट साड़ी, ऑब्वियसली नॉट प्योर जॉर्जेट, 500 रुपए में प्योर जॉर्जेट नहीं मिलता है, बट दिस इज अ लाइक दिस इज एन एवरेज फैब्रिक, पहन सकते हो आप इसको, अगर अच्छे से कैरी करो तो आप पहन सकते हो ये साड़ी। तो ये मैंने अमेजोन से ली थी 500 रुपए की। और ये शिल्पा शेट्टी की फोटो देखते ही मुझे लगा कि मैं इस साड़ी को भी ऐसा बना सकती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था इसमें फ्रिल्स के लिए और ब्लाउज के लिए फैब्रिक ढूंढना। अब शिल्पा शेट्टी की साड़ी में जो फ्रिल्स लगी हुई हैं और जो उनका ब्लाउज है, मैं वो फैब्रिक ढूंढने के लिए स्टोर्स में गई तो सेम तो मुझे नहीं मिला ऑब्वियसली, लेकिन कुछ मिलता जुलता फैब्रिक मुझे फ्रिल्स के लिए मिल गया। ब्लाउज मुझे फिर भी नहीं मिला। शिल्पा शेट्टी ने यहाँ पर सीक्वेंस का ब्लाउज पहना हुआ है और बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे सेम कलर का सीक्वेंस फैब्रिक नहीं मिला। तो आई डिसाइडेड कि मैं जो फ्रिल्स का कपड़ा है उसी से मैं ब्लाउज भी सिलवा लूंगी। तो काफी ढूंढने के बाद मुझे ये वाला फैब्रिक पसंद आया अपनी साड़ी के लिए। ये एक सिल्क का फैब्रिक है और इसमें गोल्डन कलर की लाइनिंग्स हैं पिंक के साथ। थोड़ा सा मिसमैच था, ये मेरी साड़ी से बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा था, बट देन मैंने सोचा कि अगर मैं ब्लाउज और फ्रिल्स सेम रखूंगी तो चल जाएगा, इतना 19-20 चल जाता है इस कलर में। सो दिस इज व्हाट आई डिसाइडेड। सो ये कपड़ा मुझे 350 रुपए मीटर मिला और फ्रिल्स और ब्लाउज का मिला के मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए था, तो मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया जो कि हो गया मेरा 1050 रुपए का कपड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो चाहिए थी वो थी गोल्डन लेस। ऑब्वियसली मैं बहुत क्लोज कॉपी बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि मैं सिमिलर चीजें ही लूं। तो एक नॉर्मल सी सिंपल सी गोल्डन लेस मैंने ले ली है इस साड़ी के लिए। इसके बाद का स्टेप था बुटीक पे जाना और बुटीक वाली को ही समझाना कि मुझे किस तरह की साड़ी चाहिए। और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली फ्रिल्स लगाना, अगर आपको खुद भी सिलाई आती तो आप ये घर में खुद भी कर सकते हो। मुझे बिल्कुल सिलाई करनी नहीं आती है इसीलिए मैं बुटीक पे गई, अदरवाइज आप किसी भी लोकल छोटे टेलर से भी आप बोलोगे तो फ्रिल तो कोई भी लेडीज टेलर लगा देता है बड़े आराम से। तो यहाँ मेरा फ्रिल्स का काम, साड़ी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा था मेरा ब्लाउज। तो ब्लाउज भी मैं चाहती थी कि इस साड़ी के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊं, सीक्वेंस का फैब्रिक मुझे नहीं मिला। सो आई वॉन्टेड कि मैं कुछ स्टिचिंग में ऐसी डिजाइन कर दूं कि मेरा ब्लाउज थोड़ा सा अलग लगे, जो मैंने कभी पहना नहीं हो। तो मैंने इस साड़ी के लिए बनवाया बैकलेस डोरी वाला ब्लाउज। बिल्कुल भी बैक नहीं है इसमें, सिर्फ डोरियां लगी हुई है, ऑब्वियसली पैडेड ब्लाउज है। मैं हमेशा से ऐसा ब्लाउज पहनना चाहती थी बट बिकॉज आई एम अ हेवी बस्टेड लेडी मैं कभी हिम्मत कर नहीं पाई, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो करके देख ही लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पे इस ब्लाउज में मैंने अपना दिमाग क्या लगाया कि ये जो डोरियां हैं जहाँ पे ये डोरियां बंद हो रही हैं वहां पे मैंने परमानेंट स्टिचिंग करवा दी है ताकि ये डोरियां खुल ना जाए और कोई वार्डरोब मालफंक्शन ना हो जाए। तो इसमें आगे से बटन है और पीछे जहाँ पे डोरियों की गांठ बांधनी थी वहां पे मैंने परमानेंट स्टिचिंग करवा दी है। सो ये था मेरा ब्लाउज। तो अब साड़ी और ब्लाउज का काम हो गया, लेकिन एक चीज फिर भी रह गई थी, वो थी इनकी बेल्ट। अब ऐसी बेल्ट मैंने इंटरनेट पर बहुत वेबसाइट पर देखी, लेकिन सब जगह 600, 800, 850 इतने की मिल रही थी ये गोल्डन बेल्ट। तो फिर से मेरा सिंधी दिमाग थोड़ा सा जागा और मैंने ये बेल्ट भी घर में खुद बनाया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बेल्ट बनाई है मैंने घर में खुद इस साड़ी के लिए। सो मैंने ये लेस खरीदी और इसकी मैंने बेल्ट बनाई। तो दिस लेस वॉज समवेयर अराउंड 100 रुपीज मीटर और पूरी 1 मीटर भी नहीं लेनी पड़ी मुझे। मैंने इस तरह से अपनी वेस्ट को मेजर किया और जितनी मेरी वेस्ट में जरूरत थी उतनी ही लेस मैंने खरीदी। और उसके अलावा मैंने ली है गोल्डन डोरी और दोनों तरह से मैंने इस डोरी को यहाँ पे सुई से स्टिच कर दिया एंड रेडी हो गई है सिर्फ 60 रुपए में, है ना सिंधी दिमाग। तो ये ब्लाउज और फ्रिल का काम मिलाकर मेरी बुटीक वाली ने मुझे 800 रुपीज चार्ज किए। तो 1050 का फैब्रिक हो गया, 800 रुपीज मैंने बुटीक वाली को दिए जो कि हो गए मिला के 1850 और 500 रुपए की मेरी साड़ी थी। तो ये हो गया मेरा टोटल 2350
तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 2350 रुपए में, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 2350 रुपए में मेरा क्या आउटकम निकल के आया। तो ये था मेरा वीडियो जहां मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने स्क्रैच से अपनी 500 रुपए की साड़ी, एक ऐसी साड़ी जो कि मैं ऑलरेडी 2-3 बार प्लेन साड़ी एज अ प्लेन साड़ी पहन चुकी थी, उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया इनटू अ डिजाइनर साड़ी। एंड आई पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम, जिस तरह से साड़ी निकल के आई मुझे बहुत मजा आ गया था इसको देख के। आई वाज सो हैप्पी टू कैरी दिस साड़ी। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस आइडिया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लिटिल टू डिजाइन योर ओन क्लोथ्स इन लेस बजट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि मैं बजट स्टाइलिस्ट हूँ, या मैं हिंदी में कहूँ तो मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, मैं बहुत जल्दी आसानी से पैसे खर्च कर नहीं पाती हूँ, सिंधी ब्लड यू सी। सो या दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई आइडिया, प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज जहाँ मैं अपने कपड़े को डिजाइन करती हूँ और स्टाइल करती हूँ, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू फॉर माई रेगुलर फैशन अपडेट्स। आई बेसिकली फोकस ऑन फैशन फॉर वुमेन, फैशन फॉर इंडियन वुमेन। एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सो बिफोर यू लीव। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव नाउ।